नमस्कार दोस्तों दोस्तों कल से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम शुरू होने जा रही है। अब आपके पास दोस्तों कितने घंटे का समय बचा है? 10 से 15 घंटे का समय बचा है दोस्तों। बहुत बच्चे के सेंटर दूर भी आए हैं, बहुत के पास भी आए हैं, तो आप सभी को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। भावी पुलिस कर्मियों को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, और मैं तो यही दुआ करता हूँ भगवान से कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और जो भी आपने पढ़ा है वो यूं का यूं दोस्तों पेपर में छप जाए और अब की बार आपका फाइनली रूप से सिलेक्शन हो जाए। तो मेरी तरफ से दोस्तों आप सभी को जो भी एग्जाम देने जा रहा है दोस्तों सभी को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, परीक्षा देने आप जा रहे हो लेकिन आपको तीन चार बातों का ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी बात है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। पहले नंबर पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपने एक से ज्यादा फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपको दोस्तों अलग अलग सेंटर पे जाओगे परीक्षा देने के लिए। बहुत ऐसे भी है जिनका दोस्तों फर्स्ट पारी में जयपुर में है और सेकेंड पारी में सीकर में है या फिर अलवर में है, मतलब कि कहीं ना कहीं दूसरे जिले में है। तो दोस्तों आपको पूरी सावधानी से दोस्तों यात्रा करनी है। दूसरी बात दोस्तों आपको जो ध्यान रखनी है वो ध्यान ये रखना है कि परीक्षा सेंटर पे आपके दोस्तों एडमिट कार्ड में साफ साफ लिख दिया है कि आपके परीक्षा सेंटर पे वो 2 घंटे पहले उपस्थित होना, क्योंकि अब की बार दोस्तों क्या होगा बायोमेट्रिक होगी, उसमें समय लगने वाला है। तो आपको क्या करना है, कम से कम 2 घंटे पहले आपको परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना है। यदि आप परीक्षा केंद्र पे उपस्थित नहीं होगे और यदि आप दोस्तों लेट हो जाते हो तो दोस्तों आपने जो भी पढ़ा है ना क्यों दिमाग खराब हो जाएगा और दिमाग खराब हो जाएगा जल्दीबाजी में दोस्तों, जो भी आपने पढ़ा है उस पे पानी फिर जाएगा। तो ऐसा मत करना, आपको परीक्षा सेंटर पे कम से कम 1.5 से 2 घंटे पहले उपस्थित होना है। इसके अलावा दोस्तों एक और बात आपको जो ध्यान रखनी है, बात ये ध्यान रखनी है रोल नंबर, जो आपकी ओएमआर सीट आएगी उसमें रोल नंबर जो भी आपके दोस्तों मांगे गए हैं जो भी उसके अंदर, वो सब कुछ आपको सही से भरना है, गलत मत कर देना। यदि आप दोस्तों रोल नंबर गलत कर देते हो, सीरीज गलत कर देते हो, कुछ भी आप गलत कर देते हो, और यदि आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, आपके 150 में से दोस्तों 130 135 भी नंबर आते हैं तो सब पे पानी फिर जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ओएमआर सीट में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करनी है, ओएमआर सीट में किसी प्रकार की काट झाट नहीं करनी है, और जो आपके गोले आते हैं दोस्तों पूरे गोले आपको भरने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिंदी कर दी पूरे गोले नहीं भरे, गोले से बाहर पेन निकाल दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। जो भी गोला है उसको सावधानी से भरना है और रोल नंबर भी आपको सावधानी से भरना है। इस प्रकार से दोस्तों आपकी परीक्षा बहुत अच्छी जाए, मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूँ। और यदि आपने तैयारी करी है दोस्तों तो बिल्कुल आपकी परीक्षा बहुत अच्छी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो आपका पेपर लगेगा प्रश्न पुस्तिका वो आपको घर लाने के लिए नहीं देंगे, लेकिन तब भी दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो यदि आपकी परीक्षा कल सुबह पारी में है या सेकंड पारी में है, तो आप कमेंट करके आप बता सकते हो कि कौन कौन से प्रश्न रिपीट होते हैं। तो जो भी दोस्तों मेरे पास कमेंट करेगा उनकी दोस्तों मैं वीडियो अलग से ले आऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, राजस्थान जीके में क्या पूछा जा रहा है, इसके अलावा साइंस के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इतिहास के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको लेकर भी मेरी कल वीडियो आ जाएगी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।